आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। लोकतंत्र विजयी हो, भारत विजयी हो, भारत माता की जय। बेल आइकन जरूर दबाएं, मोदी जी को फिर से जिताएं। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। आपने बहुत सही कहा, हमारी कल्पना जब डिजिटल इंडिया की है तो हम समावेशी डिजिटल विकास की बात करते हैं। इसमें एक डिजिटल ढांचा आता है और डिजिटल सेवाएं भी आती हैं। मैं बहुत संक्षेप में माननीय सभापति जी बताना चाहूंगा कि देश के सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की बात थी। ये कार्यक्रम 2011 में शुरू हुआ था। जब हमारी सरकार आई थी तो 358 किलोमीटर मात्र ऑप्टिकल फाइबर ले हुआ था। आज जब हमारी सरकार को लगभग 3.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 253,000 किलोमीटर हमने ऑप्टिकल फाइबर ले किया है। 1,00,000 ग्राम पंचायतों को लिटअप कर दिया है और 57,000 ग्राम पंचायतों में ये फैसिलिटी आज है कि जो वहाँ से एक्सेस हो सकता है। और बाकी मनोज जी के विभागों ने चिंता की है विद वेरियस टेलीकॉम ऑपरेटर्स की और सर्विस प्रोवाइड करें। सर बस दो चीज़ें और, सर हमने छोटे गांव में बीपीओ की सेवा शुरू की छोटे शहरों में और आज लगभग 68% छोटे शहरों में, सर आंध्र प्रदेश में विभावन, चित्तूर, गुट्टुपली, उत्तर प्रदेश में बरेली, कानपुर, बिहार में आपके मुजफ्फरपुर, पटना, कोझिकोड, जम्मू कश्मीर में भद्रवाह, बदगाम, जम्मू, सोपोर, इस जगह बीपीओ शुरू हो गया है। लगभग हमारे 270,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो उनसे 173,000 ग्राम पंचायतों में जो आज 1,00,000 लोग काम करते हैं, 1/3 महिलाएं हैं, वो सब काम कर रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डिलीवरी और हम 6 करोड़ लोगों को डिजिटल लिटरेट करने जा रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री पूरा काम कर रहे हैं। हरिवंश जी, सेकंड सप्लीमेंट्री है? सर जी हाँ है। ये सवाल मैंने क्यों पूछा सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की निगाह में लाना चाहूंगा। दुनिया के 5 बड़े अर्थशास्त्रियों का ताजा अध्ययन है कि जो बच्चे इनोवेशन हब यानी शहरों के स्कूल में जो सुविधाएं हैं, कनेक्टिविटी है, उसे गांवों के बच्चे अगर दूर रहे तो वे उनके अंदर प्रतिभा का विकास बहुत कम होगा। उस अध्ययन का नाम है द लॉस्ट आइंस्टीन्स, यानी गांव के बच्चों को अगर ये सुविधाएं नहीं मिली तो वो बराबर शहर के बच्चों के समान खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं मौलिक अधिकार बनाने की बात कर रहा था। ठीक सर। माननीय हरिवंश जी बहुत प्रखर संपादक भी हैं, विद्वान हैं, अध्ययन करते हैं, अभिनंदन है आपका। हमारी सरकार इंटरनेट उपलब्ध हो इसके बारे में कोई समझौता नहीं करी, हमने बार बार कहा है। इंटरनेट एक्सेस इज नॉट निगोशिएबल। और आपने कहीं ग्रामीण परिवेश की बात, ये सीएससी तो ग्रामीण इलाकों में ही, आपने कभी कल्पना की थी कि मुजफ्फरपुर में और कानपुर में और बरेली में और इम्फाल में और गुवाहाटी में और आपके यहाँ पर आपके बीपीओ शुरू होगा? ये शुरू हो रहा? प्लीज प्लीज, तो ये हम कर रहे हैं और आगे करेंगे। 6 करोड़ लोगों को डिजिटल लिटरेट करने जा रहे हैं, तो ये सब ग्रामीण परिवेश में ही है। थैंक यू। बड़ी बात क्या है मंत्री जी, संक्षिप्त में, आज नेट संक्षिप्त में होता है। बस एक लाइन सर, इनोवेशन बहुत सही कहा, आज भारत में स्टार्टअप मूवमेंट भी बहुत आगे बढ़ रहा है। थैंक यू श्री के। इन दिस केस द क्वेश्चन वाज whether the government proposes to make internet availability a fundamental right. That's the question, and there has till now been no answer. I want to say that the right to internet has been held to be a part of freedom of opinion and speech. In 2016, the United Nations has declared that depriving people of internet connectivity is a violation of human rights. Please, and question. What is the question now? Please. Now, I want to only mention this, that internet connectivity has been already recognized as a human right in Sweden, Costa Rica, Finland, please. France, Greece, Spain, Estonia, and Canada. So, will the Honorable Minister tell us whether they propose to make this also a fundamental right in India? Minister, Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, the reply is very simple. One is a paper transaction of declaration of fundamental right, and the other is making it available without discrimination. And what Narendra Modi government very strongly believes, that access to internet must be made available, which I outlined in my previous reply. That's what we are doing. Of Thank digital you. Inclusion. Sri Vijay Sai Reddy. Mike. Please, Vijay Sai Reddy. Mike is there. Mike is there already. Day before yesterday, with this internet,
Facebook are asking for Aadhaar card number before you can open a Facebook account. My question to the minister goes back to, in this age of the internet, even though he's not in the Home Ministry and we're discussing it, what are the measures you are taking for data protection and national security? Thank you. In the use of the internet. Specific, I give you one Facebook example. You want to answer? That's that's a very, very relevant question he has raised. India is emerging as a big center of data analysis. The government of India has set up a committee headed by Justice Sri Krishna, eminent Supreme Court retired judge, and we are in the process of framing a data protection law. The paper has been circulated, the field hearing is going on, and very soon we will come with a data protection law. As regards the first part of security issue is concerned, we are very alive to cyber security. Honourable, the Prime Minister has publicly stated that cyber war is a bloodless war. And from cyber drilling to cyber human resource development to more training to cyber auditor, all is going together, including involvement of private sector. Regarding Facebook in particular, I also seen the news in media. They have also given a reply. It was only directory, not mandatory. But I can only tell you, I will get the entire facts on record and revert to you. Thank you. Next question, 124.